ओमेगा नेटवर्क में आपको आज 75% के जो भी टोकन है वो कैसे आपको विड्रॉल करने हैं जो इधर ट्रांसफरेबल बैलेंस में दिया हुआ है। तो ये मैं लाइव प्रोसेस आपको करके दिखाने वाला हूँ, कोई भी एरर्स आए तो आपके सामने ही रहेगा। तो अभी आपके देखो जाके वॉलेट में इस तरह के सा आपको सेंड और हिस्ट्री का ऑप्शन आया रहेगा, जाके एक और बार चेकआउट कर लो, ठीक है। ऐसा आया है तो अभी जो स्टेप्स दिखाऊंगा आपको लाइव क्लेमिंग करके, तो वो आप देख लो स्टेप्स। तो अभी देख लो, आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, आपके जो भी ट्रांसफरेबल बैलेंस में जो भी इधर अमाउंट दिखाई दे रहे ये आपको कैसे विड्रॉल करने हैं ये वाले, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लो स्टेप्स। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कहाँ क्लिक करना पड़ेगा वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपल से ये वाले पेज पे आ जाना है। ये वाले पेज पे कैसे आओगे, आप होम पेज पे आने के बाद इधर वॉलेट सेक्शन है उसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करते ही ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। पेज खुल के आने के बाद ध्यान से देखो, इधर सेंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया। इधर क्लिक करते ही आप एक ऑब्जर्व करो, इधर आपका एक वॉलेट एड्रेस ऑलरेडी दिखाने लग जाएगा। ये कौन सा वॉलेट एड्रेस है आपको नहीं पता, तो ये गाइस आपने ओमेगा ऐप में एक वॉलेट क्रिएट किया रहेगा उसका एड्रेस है, ठीक है। तो अभी जो भी रहेंगे वो इसमें ही आने वाले, तो वो एड्रेस हम कैसे देख पाएंगे कि आपको इधर लिखा हुआ आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एड्रेस रहेगा इधर। तो अभी ये वाला एड्रेस कहाँ है आपको अभी जाके दिखा रहा हूँ पहले। तो आप ये वाले पेज पर आके ये वाले ओमेगा वॉलेट इधर सेक्शन पर क्लिक करो। क्लिक करते ही इधर देख लो, आपको ये वाला देखो ओमेगा चेन और स्मार्ट चेन। तो स्मार्ट चेन में आपने इधर रह के एक वॉलेट क्रिएट किया था, तो वही एड्रेस उधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इधर आने के बाद बहुत लोगों के ये भी सवाल थे कि हम उधर सेंड पे क्लिक करके डायरेक्ट मेटामास्क या फिर डायरेक्ट ओकेएक्स एक्सचेंज में भेज सकते हैं क्या? नहीं गाइस, ऐसा नहीं हो सकता। आप डायरेक्ट ओकेएक्स एक्सचेंज में या फिर मेटामास्क में डायरेक्ट नहीं भेज सकते, ये डायरेक्ट आपके इसी वॉलेट में आएंगे ओमेगा ऐप के अंदर, ठीक है। तो इधर है कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर 10 करके लिख रहा हूँ, मेरे इतने टोकन है बट मैं 10 आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। 10 लिखने के बाद इधर सेंड है, सेंड के ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है, ठीक है। सेंड के ऊपर क्लिक करते ही इधर देख लो, थोड़े टाइम में इधर आया, दी ट्रांजेक्शन हैज बीन सेंड, प्लीज़ वेट फॉर कन्फर्मेशन। इन्होंने भेज दिया, आपका थोड़ा टाइम लग जाएगा पहुँचते पहुँचते, तो मैं आपको पॉज कर देता हूँ, 5 मिनट के बाद आपको दिखा देता हूँ पहुँचते ही। तो गाइस हमारा पहुंच चुका है, क्योंकि इधर हमारा कट हो चुका है और कट के हमारे वॉलेट में पहुंच चुका है। अभी कौन से वॉलेट में पहुंचा है, तो उसके लिए आपको ओमेगा वॉलेट है इधर लिखा हुआ, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सोचोगे अभी है कि हम इस पर क्लिक करें क्या? नहीं गाइस, इस पर नहीं क्लिक करना है, ठीक है। आपको किस पर क्लिक करना है वो बता रहा हूँ, आपको इस पर क्लिक कर देना ओमेगा चेन का इधर। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते इधर पासवर्ड रहेगा, ये आपको डाल देना है, ठीक है। तो डालने के बाद इधर देख लो, हमारे जो 10 भेजे थे हमने 9.99 आए, क्योंकि 0.1 की गैस फीस लगी है कुछ, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि इधर आ गए आपके सक्सेसफुली ओमेगा नेटवर्क के टोकन। अभी यहाँ से आपको सेंड करना है अपने मेटामास्क में। तो अभी इधर भी है कि आपके एक बार रिसीव हो गए टोकन, ओम चेन लिखा रहेगा इधर, रिसीव हो गए। अभी इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इधर से अभी इस टोकन को आपको भेजने हैं मेटामास्क में। आप बोलोगे नहीं भाई ओके एक्सचेंज में भेज पाए क्या, तो क्यों नहीं भेज पाते वो आपको दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको इधर है सेंड है, सेंड के ऊपर क्लिक कर देना। कैसे सेंड करना पहले बता रहा हूँ, ठीक है, लाइव में। तो सेंड है, सेंड के ऊपर सिंपल आके क्लिक कर देना है। तो सेंड के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इधर क्या लिखा हो वो पढ़ लो। इधर इन्होंने क्लियरली क्या मेंशन किया हुआ है कि EVM नेटवर्क करके, ठीक है। तो EVM नेटवर्क क्या रहता है, इथेरियम का जो मेटामास्क वॉलेट रहता है वो EVM नेटवर्क का वॉलेट रहता है, या फिर OKX वॉलेट रहो, ठीक है, उधर से भी आप ले सकते हो, तो आप उधर भेज सकते हो। तो मैं बोलूँगा आपको मेटामास्क में भेजना है, बाद में इधर उधर भेज के आप बोलोगे यार ये हो गया वो हो गया, तो बोल रहा हूँ मेटामास्क में भेजना है, ठीक है गाइस। तो इधर सिंपल आपका मेटामास्क का एड्रेस डालना है। तो मेटामास्क का एड्रेस हम कहाँ से लेके आएंगे वो आपको दिखा रहा हूँ। तो देख लो हम मेटामास्क में आ गए। मेटामास्क में हमारा ओमेगा मेननेट लिखा हुआ, तो इधर से हम एड्रेस कॉपी करेंगे। एड्रेस कॉपी कहाँ से होता है आपको नहीं पता, तो इधर देखो कॉपी का ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इधर ओमेगा मेननेट रो या फिर इथेरियम कुछ भी रो, एड्रेस सेम ही रहता है, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो। तो इधर से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर से आ जाना है, सेम प्रोसेस से वॉलेट में आ जाना है। वॉलेट में इधर क्लिक करके ऊपर ओमेगा चेन है इसके ऊपर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जो स्टेप्स दिखा रहा हूँ वो देख लो बस ध्यान से, वही काफ़ी है, क्योंकि लाइव प्रोसेस से कुछ भी एरर्स रहे तो आपके सामने रहेंगे। तो इधर सेंड है, सेंड के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है।
हो जा। तो इधर आने के बाद इधर सेंड का ऑप्शन रहता है, इसके ऊपर हमको क्लिक कर देना है सेंड के ऊपर। तो गाइस सेंड के ऊपर क्लिक करते थोड़े एरर्स आ रहे हैं, मतलब बार बार हमको क्लिक करना पड़ेगा, 2-3 बार तब जाके ठीक होगा। ठीक है, उसके बाद इधर हमने जो एड्रेस लाया था वो इसको हम इधर कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इधर हमने पेस्ट कर दिया है एड्रेस। ठीक है, ये मेटामास्क का एड्रेस है। तो हमने क्या किया, पहले फर्स्ट में लेके आए, क्लेम किया किसमें, ओमेगा वॉलेट में। उसके बाद ओमेगा वॉलेट से भेज रहे मेटामास्क में। ठीक है, मेटामास्क से फिर हम OKX एक्सचेंज में भेजने का प्रोसेस मैंने दिखाया हुआ है, आप कैसे भेज के सेल कर सकते हो। तो इधर हम अभी मेटामास्क में भेज रहे हैं, तो मेटामास्क में इधर भेज दिए और इधर मैक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखो मैक्स में 19 हो गए, क्योंकि अभी पहले 10 थे अभी 9 थे, टोटल 19 हो गए। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इधर कंफर्म है, कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इधर आपके से पासवर्ड पूछा जाएगा, तो वो पासवर्ड आपको डाल देना है। डालने के बाद ये कंफर्म होते ही आपको इधर एक पॉपअप मैसेज आएगा कि हाँ भाई पहुँच गया करके। तो ये देख लो इधर से है कि सेंड हो गए ओमेन टोकन हमारे। ये देख लो गाइस, ये वाला मैसेज आ जाएगा सेंट इतने ओमेन सक्सेस करके। ठीक है, तो ये मैसेज आ गया तो हमारे सेंड हो गए, हम ओके पे क्लिक करते हैं। इधर देख लो हमारे टोकन कम हो गए। ठीक है, और हमारे मेटामास्क में देख लो ये तुरंत ही आ गए, 29 हो गए टोकन इधर ओमेन, तो तुरंत आ गए। फिर इधर से अभी एक्सचेंज में कैसे भेजने हैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। उसके लिए आपको सिंपल आ जाना है अपने OKX एक्सचेंज में। ठीक है, इधर आके क्लेम एंड सेल का पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ। इधर एसेट्स आपको दिखाई दे रहा है नीचे सेक्शन में। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है एसेट्स के ऊपर। इधर आने के बाद इधर डिपॉजिट का आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, डिपॉजिट करके। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। डिपॉजिट इधर ऑन चेन है, ऑन चेन सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको OMN करके क्लिक देना है। ठीक है, OMN बस इतना ही लिखना है। तो ये आ जाएगा ओमेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे ओमेगा ओमेगा चेन है, इसके ऊपर टैप कर देना है और इधर से ये एड्रेस कॉपी कर लेना है। तो एड्रेस कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद आ जाना मेटामास्क में और यहाँ पे सेंड करके आपको दिखाई दे रहा है, जो भी न्यू यूज़र है उनको भी पता चलेगा। ठीक है, सेंड है, सेंड के ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो एड्रेस हमने कॉपी किया है वो इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इधर आपको कितने भेजने उतने भेज सकते हो। मैं 20 भेजना चाहता हूँ, तो 20 मैंने लिख दिया ओमेन टोकन। ठीक है, यहाँ पे देखो 20 करके लिख दिया। आपको फुल भेजने हैं तो इधर मैक्स है, मैक्स के ऊपर क्लिक कर देना अगर कंप्लीट भेजने हैं तो। तो इधर आपको नेक्स्ट है, नेक्स्ट के ऊपर फिर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख लो इधर जो भी गैस फीस है इतनी लग रही है, तो इतना आपके वॉलेट के अंदर भी रहने चाहिए गैस फीस, और कंफर्म है, कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये देख लो थोड़े टाइम में इधर सक्सेस आ जाएगा। सक्सेस आते ही हम अपने OKX वॉलेट में जाके चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो गाइस हमारा सक्सेसफुली ये है कि सेंड हो गया है, ये देख सकते हो सेंड हो गया 20 ओमेन टोकन आज जून 20 तारीख को। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल हो गया। चलते हैं अभी OKX एक्सचेंज में। तो OKX एक्सचेंज में आते ही सेम है, आपको एसेट्स है, एसेट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख लो आपको एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देख लो इधर बोल रहा है कि डिपॉजिट प्रोसेसिंग, मतलब डिपॉजिट आ रहा है, क्या आ रहा है वो देखने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते इधर देख लो हमारे 20 ओमेन टोकन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इधर। ये आते ही हम सेल का आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आपको सेल भी करना है। ठीक है, तो अभी आपके ओमेन टोकन आ चुके हैं, तो वो कैसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए गाइस आपको इधर है कि फंडिंग वॉलेट है, इसमें आए रहेंगे। ठीक है, तो आपको फंडिंग वॉलेट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेक्शन में ओमेन टोकन दिखाई दे रहा है, ये वाला सेक्शन पे। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको सिंपल इधर क्लिक नहीं करना है, ये आपके आ गए हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इसको आपको ट्रेडिंग में लाना है, क्योंकि आपको सेल भी तो करना है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल इधर ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस ट्रांसफ़र का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर फंडिंग रहने देना, नीचे ट्रेडिंग रहने देना है, और इधर क्रिप्टो लिखा हुआ है इसके ऊपर इधर एरो है छोटा सा ये वाला, इसके ऊपर आपको सिंपल इधर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको OMN ऊपर ही सेक्शन में शो हो जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और नीचे इधर मैक्स है, मैक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, और इधर कन्फर्म है, कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गए। तो बैक आ जाना है, बैक आने के बाद आपको इधर ट्रेडिंग दिखाई दे रही है, या फिर इधर आपको नीचे ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला सेक्शन इधर राउंड वाला दिखाई दे रहा है ट्रेड का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना है कि ये वाला सेक्शन है इधर, इसके ऊपर आपको एरो के ऊपर क्लिक कर देना है इधर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया और ऊपर आपको सर्च कर लेना है, OMN करके लिख देना है। ठीक है, तो इधर आ गया OMN USDT, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इधर आपको क्या करना है, अभी
ये ज़रूरी है जान लो। इधर लिमिट ऑर्डर है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इधर आपको सिलेक्ट कर लेना है मार्केट ऑर्डर, ठीक है। तो मार्केट ऑर्डर में सेल हो जाएगा मार्केट ऑर्डर, और यहाँ पे आपको सेल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सेल सिलेक्ट कर लिया, ये वाला सेल, ठीक है। इधर सिलेक्ट करने के बाद इधर कितना बेचना है, मेरे पास 20 है तो मैं 20 के 20 बेचना चाहता हूँ, तो 100% कर दिए, ठीक है। और सेल वो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो द ऑर्डर सक्सेसफुली, मतलब हमारा सेल हो चुका। तो असेट्स में जाएंगे और इधर आप ट्रेडिंग में जाके इधर आपके इधर ऐड हो जाएंगे USDT में, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोसेस रहता है, कंप्लीट लाइव प्रोसेस दिखा चुका हूँ, कोई भी एरर्स नहीं आए अभी तक, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ। मिलते हैं अगले दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।